And my question is, I think the part we have not touched yet, that is the essay paper of UPSC, sir. Uh, I have seen the previous year question, uh, previous year question paper of essay, in which topics are like "Know to wonder are all lost," and mathematics is the music of the reason, and also other ones. Thinking is like a game, and other topics. And when I went all through all the topics, I was like, how can I write good logical, appealing to examiner answers that to, in twelve fifty words. And a good answer. So, I think I found that one very challenging because uh, five years before, or Kusal Palais, it was related to static portions, essay was, but right now it is not. So, how can we tackle that and uh, how can we, we can be good in essay writing to score maximum marks? All right. Uh, it's a very big question. I would like to uh, uh, make it as precise as possible so that you understand. Uh, एक चीज तो पहले आप समझ लें कि ये एस है और एसए की कुछ व्याकरण है उसके अनुसार मुझे लिखना है और ऐसे आपने बचपन से लिख रखा है हैप्पी दिवाली माय बेस्ट फ्रेंड पोस्टमैन काउ पता नहीं कितने ये टॉपिक आप आते नहीं ये अलग बात है तो आपको एससे के व्याकरण को समझ करके और व्याकरण में तो सिंपल सी बात है कि उसमें एक इंट्रोडक्शन होगा एक मेन बॉडी होगी कंक्लूजन हो गया हो गया ऐसे इतना भी नहीं है इससे का आप देखें कि इससे पहले ऐसे समझें इससे आंसर नहीं है आंसर भी लिखने का एक तरीका है स्टोरी लिखने का एक तरीका है ड्रामा लिखने का एक तरीका है आप देखें आर्टिकल लिखने का एक तरीका है इससे भी लिखने का एक तरीका है तो इससे ड्रामा नहीं है इससे स्टोरी नहीं है इससे नॉवल नहीं है इससे आर्टिकल नहीं है इसको पहले अगर अच्छी तरह से समझ लें तो आपको इससे लिखना आसान हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क कर दिया है किसी क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे तो उसका जवाब लिख देंगे लेकिन इसमें अगर टाइटल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है तो वो एक टाइटल का भाग है आपको क्वेश्चन काफी महत्व तो दिखाना पड़ेगा उस पूरे हिस्से में तो अब ड्रामा में देखो ना डायलॉग्स लिख देते हैं आप स्टोरी में देखो ना एक वर्ड में एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो इससे में सब नहीं चलेगा इससे को अगर आप मेरे ख्याल से आपने यू मे हैव नॉट रेड द सलेबस ऑफ एस नहीं पढ़ता है लोग आप मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा आप जाकर के यू का जो गज़ट आता है ना उसमें एस में क्या अपेक्षित है वो पढ़िए दिस इज वन थिंग विच मोस्ट द स्टूडेंट्स डॉन्ट डू इट और उसके ऊपर अगर आप जब एस का वो आ, आ, पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको एस की परिभाषा दिखती है उसमें बोलते हैं कि आप क्लोज टू द टॉपिक लिखा होता है तो मतलब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है ऐसे में कि टॉपिक क्या है उसको समझें और उस टॉपिक को उसका अंडर करेंट पूरे पैराग्राफ में चलना चाहिए सारे पैराग्राफ में एक आर्टिकल हो सकता है जिसमें एक पैराग्राफ टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ है आप एक स्टोरी लिख रहे हैं उसमें चरित्र के माध्यम से कुछ अपने बातों की बात कर रहे हैं कहानी को कह रहे हैं लेकिन ऐसे में इस टाइटल का कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अंश चल रहा होता है तो इसके जितने भी आयाम हैं उसको आप लिख सकते हैं ऐसे में लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस हिस्से का जो ये टॉपिक है उस टॉपिक को अगर मैं आ, लिख रहा हूँ तो एग्जामिनर को कन्वे कर दूँ कि इसमें क्या लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ क्या अपेक्षा की जाए तो दैट इज़ वन आस्पेक्ट

सेम टॉपिक इफ आई टेक टू ए पर्सन सीनियर ब्यूरोक्रेट सिटिंग ए नीति आयोग वो अलग लिखेंगे तो आपने क्या इसको, इसको इंटलाइज किया हुआ है यू हैव टू कन्वे टू द एग्जामर एंड दैट इज दनाउंसमेंट पार्ट ऑफ द एस एफ्टर अनाउंसमेंट यू हैव टू गो स्कोपिंग ऑफ द एस ए स्कोपिंग के अंदर यू हैव टू गिव वॉट टू एक्सपेक्ट इन दैट इंटायर एस एन आफ्टर स्कोपिंग यू हैव टू डू सम एज अ टेंशन ग्रैबर इन इंट्रोडक्शन विच मीन यू हैव टू

अटेंशन ग्रैबर में कोटेशन स्टोरीज एनेक्डोट्स ऐसे होते हैं ना या फिर आ, हो सकता है चौथा इसका टोनालिटी इसके बाद आप उसके मेन बॉडी पे आते हैं और मेन बॉडी में आप उसका एवरी पैराग्राफ हैज़ गॉट ए थीसिस स्टेटमेंट एवरी पैराग्राफ हैज़ गॉट अनालसिसिसिस एंड एवरी पैराग्राफ हैज़ गॉट ए लिंकर फिर उसके बाद आप कंक्लूजन में आते हैं कंक्लूजन में आप यू हैव ए समरी स्टेटमेंट यू पोस्ट स्क्रिप्टिंग यू हैव गॉट टोनालिटी एंड द फ्यूचर मेरे ख्याल में अगर मैं बताऊं तो कोई भी टेक्निक व्याकरण जो आप सीख रहे होते हैं उसमें व्याकरण एक भाग होता है जो मैं अभी बता रहा था कि इसमें मैंने 12 पॉइंट बताया आपको अभी 11 12 पॉइंट बताया आपको मैंने इससे आप नहीं सीखेंगे इससे अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं राग का उनको इल्म नहीं होता लेकिन दे कैन सिंग वेरी वेल जस्ट बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस इनफ तो आप अगर व्याकरण भी पता है बहुत सारे आप देख सकते हैं ऐसे राइटिंग पर आपको मिल जाएंगे टूल्स वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे तो उनमें से उनको उठा करके आप देखिए व्याकरण सीख लीजिए बट अंतिम जो आपकी जो सफलता निर्भर करेगी वो आपकी प्रैक्टिस पे करेगी आपने खूब प्रैक्टिस कर रखा है यू वुड बी इन ए पोजिशन टू तो रियली डिलीवर इन सच सिचुएशंस तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं जो मैंने बता रहा था कि ध्यान रखें कि आप ऐसे लिख रहे हैं और जो टॉपिक के ट्रेंड की बात कर रहे थे ये शायद पाँच सात आठ साल जो उन्होंने बता रखे हैं इस क्षेत्र में वो बोलते हैं कि अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है अगर आप निकाल करके देखें बीस साल के रिस्से के टॉपिक आपको लगेगा बीस से पच्चीस साल के निकाल के देखें तो आपको लगेगा कि ये तो ट्रेंड कितनी बार चेंज कर चुका है और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी जो फिलोसफिकल की बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के दिखाएं थोड़ा सा चेंज उसमें आ चुका है अगले साल शायद कुछ और चेंज आ जाएगा तो अगर लंबी अवधि में देखें तो मेरे लिए तो एक ही पैटर्न से चलती रहती है कभी आप देखें कुछ समय पहले आप आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन वाले टॉपिक आ रहे थे याद है आपको उससे उसके पह, उसके बाद बहुत सारे कोटेशन वाले आए खूब चले कोटेशन वाले लोग बोलते कोटेशन कोटेशन की किताबें बिकने लगी मार्केट में कि और और अभी कुछ लोग फिलोसफी के बोल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि फिर स्टैटिक का लास्ट ईयर का इससे देखें आप तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेंड चेंज दिखेगा दो इससे या तीन हिस्से के टॉपिक स्टैटिक से आ गए हैं तो यूपीएससी धीरे धीरे शायद फिर चेंज करना चाहती है एक ही चीज़ वो रखना चाहती है अनसर्टेनिटी को सर्टेन कि अनसर्टेनिटी इज इज द ओनली थिंग अन इज द ओनली थिंग यू कैन अन प्रोडक्ट अबाउट यूपीएससी तो सिर्फ आप फिलोसफिकल को ध्यान में रख रखकर नहीं करें और उसका स्ट्रक्चरिंग मेन चीज होता है जो फ्लो चार्ट बनाते हैं ना आप वो स्ट्रक्चरिंग कैसे करें दैट इज समथिंग विच इज टॉट इन द क्लास एंड आई थिंक इसको ध्यान से अगर समझते हैं आप यूड बी एबल टू रियली काव का गुड एस से बट प्रैक्टिस अल्टीमेटली आपको डिलीवर करेगी आई होप यू गॉट सम ब्रॉड आइडिया अबाउट इट नाउ हेलो एस्पिरेंट्स हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोर से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केजी आईएएस के खान को हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा खान सर और के एस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है के सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक फाइव हासिल की थी जोश टॉक्स ने के एस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते के एस आई एस का फाउंडेशन कोर्स जो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का है वो जोश फैमिली को अब फिफ्टी थाउजेंड टू सेवेंटी थाउजेंड में मिल सकता है जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस फिफ्टी थाउजेंड और सेवेंटी थाउजेंड में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसलिए टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए दो चीजें कर रहा है पहली कि ये फ़ीस हम मंथली चार हज़ार से पाँच हज़ार के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली चार से पाँच हज़ार की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए तब तक जोश फैमिली मेम्बर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मैंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशली सपोर्ट कर पा रहा है जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने बनने के सपने से रोक नहीं सकती जो स्टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप बस जाके अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा जय हिंद